हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास इलेवेंथ जोग्राफी और चैप्टर फोर चल रहा है हमारा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोशन एंड कॉन्टिनेंट्स इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि एल्फ्रेड वेग्नर ने जो एक जर्मन मेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1912 में एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही लैंड मार्क से बने हैं बट वो उस लैंड मार्स के मूव करने का रीजन नहीं बता पाए इसीलिए उनकी थ्योरी को आफ्टर अ टाइम रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन कई तरीके से उनकी बात तो सही थी तो उसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी शुरू होना चाहती मतलब उसमें यह था कि हाँ ठीक है लैंड मूव तो किया है बट उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है तो रीज़न लेके आते हैं आर्थर होम्स इन नाइनटीन थर्टीज़ उन्होंने क्या बोला उन्होंने एक अलग सी बात बोली ही डिस्कस्ड कि हो सकता है अर्थ के नीचे देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ़

अब अर्थ में ऊपर की लेयर क्रस्ट और ये नीचे की लेयर मेंटल इन्होंने बोला कि ये जो मेंटल लेयर है यहाँ पे ऐसे ना कन्वेक्शन सेल्स हैं जो मूव कर रहे हैं अब कन्वेक्शन सेल्स किसकी वजह से है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उसकी वजह से एंड ये कन्वेक्शन सेल्स जो होते हैं अगर ये आपस में ऐसे डाइवर्ज होने लगते हैं तो इनकी इतनी फोर्स होती है कि ये ऊपर वाले फोर्स को भी ऐसे डाइवर्ज कर देते हैं तो जिसकी वजह से दो लैंड मासिस क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं काफी हद तक इन्होंने अपनी बात को प्रूव भी किया तो आथर होम्स की ये बात ओके मानी जाती है कन्वेक्शन सेंड वाली बात ओके मानी जाती है जो हमारे एल्फ्रेड वेग्नर थे उनकी जो बात थी टाइडल और बोलफलिंग की वो बात सही नहीं मानी जाती स्टडीज so, में कन्वेक्शन थ्योरी फिर है मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर So detailed research of ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain but it is full of relief. Expedition to map that oceanic floor is post war period provided a detailed picture of oceanic relief and indicated the existence of submerged mountain ranges as well as deep trenches and it is mostly located closer to the continental margins.

और इधर पूरा समुद्र होता है और समुद्र के नीचे प्लेन होता है बट पोस्ट वॉर के बाद हमारे सामने कुछ अलग ही चीज़ आती है वॉर में कई सारी सबमरीन्स यूज होती है अब ये जो सबमरीन थी ये क्या देखती है कि समुद्र के अंदर की जमीन प्लेन नहीं है यहाँ पे भी पहाड़ है प्लेट्यूज हैं रिलीफ स्ट्रक्चर है वॉलिजम है, है सारी चीज़ें जो किस पे होती है कॉन्टिनेंट्स पे होती है वो ओशन के फ्लोर पे भी होती है तो इट मे भी अ रीज़न कि जो आज ओशन का फ्लोर है हो सकता है कभी वो कॉन्टिनेंटल फ्लोर रहा हो तो ये बात एक बार को साबित कर सकती है कि चीज़ें चेंज हुई थी फैली थी ये सब चीज़ों की बात कहते हैं एंड फिर आता है जी आपका ओशनिक फ्लोर कॉन्फिग्रेशन

तो किस हिसाब से ओशन को डिवाइड किया जाता है देखिए ये ये जो पार्ट है ये जो एरिया है ये हाईएस्ट माउंटेन का पीक हो सकता है एंड ये एवरेज हाइट है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहे हैं तो ओशन फ्लोर इतने हाइट से लेके इतने 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 हाइट तक है और जो कॉन्टिनेंट के पास का एरिया होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ या कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोल सकते हैं प्लस जो हमारा ओशनिक ट्रेंच है ट्रेंच क्या एक गड्ढा टाइप हो जाता है समुद्र के अंदर वो बहुत लाइक like, डीप भी हो सकता है जो मरियाना ट्रेंच है ओशन का पार्ट वो उसकी हाइट जो है ना जो मरियाना ट्रेंच की हाइट है माउंट एवरेस्ट की अगर आप हाइट नापो ना न, तो उससे भी ऊंची होगी अगर वो एक साथ रख दिए जाए सो ओशन के अंदर जो हमें लगा कि हमें स्टडी तो सिर्फ कॉन्टिनेंट की करनी चाहिए बट जैसे चीज़ें सामने आती हैं अच्छा पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जो है वो उसके अंदर जो जर्मनी है बेसिकली उन्होंने ये स्टडी वगैरह शुरू करी थी तो उन्होंने कहा कि जी हमें सिर्फ आ, ओशन ही कॉन्टिनेंट ही नहीं ओशन के फ्लोर के बारे में भी हमें जान बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं और प्लस इसमें ना एक बात इन्होंने बोली कि जो ओशन का क्रस्ट था वो अर्थ के क्रस्ट से बहुत ज़्यादा यंग uh, था इस यंग होने का क्या रीजन है कि मान लो ये पूरा ओशन अब ओशन का ये पूरा फ्लोर है, पर ओशन के फ्लोर के जो नीचे है यहाँ पे बहुत सारा होता है अब जो वौ होगा, तो मेंटल से जो चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी वो आउट होके वापस से जो ये लेयर है इसे खत्म करके एक नई लेयर बना देती हैं तो दैट्स वाई जो उसका कॉन्टिनेंट का शेल्फ होता है वो कंपेरेटिवली यंग होता है जो उसका एज हमें नजर में आता है वो यंग नजर आता है क्योंकि इनकी पुरानी फ्लोर जो होगी वो क्या हो गई होगी वो नष्ट हो गई होगी वो सब फॉर सम रीजन खत्म हो गई होगी ओके सो ना द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये क्या होते हैं दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीपसी बेसलूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल राइस डीप ओशनिक ट्रेंचेस तो ओशनिक

रिच क्या है रिच इज जस्ट लाइक अ फॉल्ट तो जो फॉल्ट या जो एक दरार टाइप है ओशन के बीच में हो जाती है वो मेडोशनिक रिच कहते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है दिस इज लाइक ड्यू टू इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज अंडर वाटर सो दिस फॉर्म इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम अब इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम ओशन में हो सकती है ओशन में जो माउंटेन्स होते हैं उसका मेजर रीज़न जो होता है वो होता है वॉल्केनिजम कैसे होगा ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आगे और कवर होगा तो ओशन जो बनता है ना वो बनता है ओशियन ओशियन का फ्लोर टकराने से तो जब ओशियन का फ्लोर ओशियन के ही फ्लोर से टकराता है तो जो चीज़ें फॉर्म होती है वो होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स तो यहाँ पे इसीलिए हमें इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है It is the largest mountain chain on the surface of the earth through submerged under the oceanic water. It is characterized by central rift system at the crest, and it is fractionated plateau and flank zone all along the length. So, rift system at the crest hai, at the zone of intense volcanic activity is the same. Next topic aata hai humara, that is distribution of earthquake and volcano, uh, volcanoes.

जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह के बारे में बता रखा है कि कहां कहां पे किस किस तरीके से भूकंप आए सो यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट विद मिड ओशनिक रिजेस शेडेड बेल्ट अनदर एरिया ऑफ कंसेंट्रेशन एल पाइन माउंटेन्स तो इसके अंदर जो अर्थक्वेक है जो सीस्मिक एक्टिविटीज है उसको वॉल्केनो से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से वॉलिज्म और जो हमारा आ, है या सीस्मिक एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि जी ऐसा कैसे हुआ कि सी इतना बड़ा बन गया लाइक टू थर्ड पार्ट में सी किस तरीके से फैला किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में सो थैंक यू सो मच